बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, लूटने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। संविधान पर कोई चल रहा है क्या? आरोप लगा रही है कि नेता प्रतिपक्ष गायब है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र जी हैं। बीजेपी क्यों ऐसा कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष हनीमून मनाने गए? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, लूटने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। बिहार को सम्मानजनक जो बजट में मिलना चाहिए था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो नहीं दिया। उसको छिपाने के लिए हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं। नेता अगर गए हैं इलाज कराने के लिए, कहीं कोई ऐसे काम से गए हैं जो जाना जरूरी था, तो उनके बिहाफ में हम सारे महागठबंधन के विधायक काम कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम। वीरेंद्र जी, एक और सवाल, नीट प्रश्न पत्र को लेकर बिहार सरकार एक कानून ला रही है, कड़ा कानून का हवाला, उत्तर प्रदेश से भी कड़ा कानून होगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार के साथ शामिल है कोई भी, वो वही नीट परीक्षा, कोई भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें साजिश कर रही है। इनके कुछ गैंग हैं जो पेपर लीक करके अपने लोगों को उसमें बहाली कराने का। उनके पक्ष में आप हैं? अरे, कानून बने तो उस पर क्रियान्वयन बढ़िया से हो ना। कानून तो बहुत सा बना हुआ है, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। संविधान पर कोई चल रहा है क्या? आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने दो बातें स्पष्ट की कि उनके नेता यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इलाज कराने गए हैं। दूसरा जो अहम मुद्दा बिहार विधानसभा में आने वाला है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में एक कड़ा कानून का प्रावधान किया जा रहा है, इस पर भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पे कहा कि सिर्फ कानून बना देने से नहीं काम चलेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।